तो गाइस देख सकते हो भाई अपना ऑफ रोडिंग ट्रैक जो कोई सीन नहीं है थोड़ी भाई साहब डिस्क फेल हो गई थी भाई पिछली तभी मार्क करनी भाई रिवर क्रॉसिंग नाला क्रॉसिंग गाइस यहाँ पे भाई पहले स्कूल होता था ये पूरा स्कूल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम अपनी ड्यूक के साथ करने वाली है एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग। जैसे कि आप देख सकते हो कैसा अभी रोड है और आगे तो चल के इसे भी ख़राब होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम भाई अपनी ड्यूक के साथ इतनी एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग करेंगे और देखते हैं कैसी होगी कैसी नहीं। और हमने खुद मतलब जो हमारा ऑफ रोड ट्रैक है समझ लो तो ये पहले रोड था तो हमने इसको मतलब एक बाइक लैग थोड़ा सा बनाया हुआ है रास्ता और इससे हमारे को नज़दीक भी रहता जाना और मतलब जिसको ऑफ रोडिंग करनी है ऑफ रोडिंग भी कर सकता है। तो आज बस जस्ट मैं भी ऑफ रोडिंग करके देखता हूँ एंड मैं काम से भी जा रहा था। तो गाइस फ़िलहाल चलते हैं बिना किसी देर के एंड मैं मतलब जब हमने ये रोड तैयार किया था उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ रोड तो क्या मैं इसको ट्रैक ही बोलूँगा। गाइस आज एक्सोर का हेलमेट पहना हुआ है बहुत ज़रा टाइट है बहुत काफ़ी दिन बाद। तो अभी तो आपको रोड थोड़ा ठीक लग रहा होगा वीडियो में लेकिन ये भी काफ़ी ख़राब है और आगे आगे देखते रहो ख़तरनाक वाला रोड आने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि आपने ऐसा देखा होगा पहले तो वीडियो में बने रहो। और गाइस देख सकते हो रोड की हालत मतलब ये पहले अच्छा रोड था लेकिन जब वो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा तब इसका ये हाल हुआ। पहले भी मैं इस रोड से आता था बस अपने टायर के साथ कोई पंगा ना हो जाए। देख सकते हो गाइस रोड के हालात और मेरे को भाई अभी से ही हवा कम लग रही है टायर में पंचर तो नहीं हो गया कहीं। चलो हवा तो ऐसे थोड़ी कम ही चाहिए ऑफ रोडिंग में और आगे चेक कर लेंगे। एंड देख सकते हो गाइस नीचे है नदी और गाइस जो ये मेरा हेलमेट है एग्जॉस्ट का इसमें पैडिंग है मेरी एम साइज मतलब ये हेलमेट एम साइज है मीडियम एंड काफ़ी टाइट भी है। एंड हेलमेट वैसे जितना टाइट हो उतना बेस्ट है आपके लिए। एंड गाइस यहाँ से अपनी ऑफ रोडिंग होती है स्टार्ट देख सकते हो। देख सकते हो भाई गाड़ी तो मतलब यहाँ से आ नहीं सकती है और बाइक के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। तो गाइस देख सकते हो भाई अपना ऑफ रोडिंग ट्रैक बस अपनी ड्यूब कहीं नीचे ना लगे बाकी तो कोई सीन नहीं है। थोड़ी भाई साहब अपनी भाई डिस्क फेल हो गई थी भाई पिछली ये तो भाई चेक करना पड़ेगा आगे जाके। गाइस खतरनाक सीन भाई फ्रंट मैं फ्रंट ब्रेक नहीं मारता फ्रंट डिस्क तो हम नीचे मिलने थे भाई नदी में शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा भाई मतलब जैसे मैंने पिछली वाली ब्रेक प्रेस करी वैसे ही ब्रेक से मतलब मेरा पैर एकदम ऊपर को पुश किया ब्रेक ने वो भयंकर बहुत गर्म है गाइस हाथ जल गया। तो गाइस अभी पता नहीं क्या सीन हो गया था मतलब मैंने जैसे पिछली ब्रेक मारी तो काफ़ी प्रेस करी तो वैसे ही ऊपर को ब्रेक ने झटका मारा और गाइस अभी हो जाना था अच्छे से ऑफ रोड। बाकी बाय द वे देख लो अपना ट्रैक एक बार फिर से काफ़ी अच्छे से ऑफ रोडिंग की एज़ यूजुअल। चलते हैं आगे अपना आगे वाला ऑफ रोड देखते एंड अभी मार्क करनी भाई रिवर क्रॉसिंग नाला क्रॉसिंग। और गाइस क्या प्यारी मतलब इजी से चढ़ गई प्यार से बिल्कुल। तो गाइस पार देखो वहाँ से सीधा मैं नीचे आना था एंड मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या
मतलब मैं शायद पिछले ही ब्रेक के सहारे चल रहा था, बट ब्रेक फेल हो गई, ऐसा हुआ कुछ। चलो जो भी हो, हमने कंट्रोल कर लिया बड़े अच्छे से एंड काफ़ी अच्छे से ऑफ रोड किया। और ड्यूक के साथ ऑफ रोड करना इजी भी है, मुश्किल भी है। इजी इसीलिए पावर अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है। एंड मैंने सुपर मोटो मोड भी ऑन नहीं किया। सुपर मोटो मोड में होता ये है कि जो पीछे वाली डिस्क है उसका ABS ऑफ हो जाता है, मतलब उसको आप जैसे ही ब्रेक मारोगे वैसे वो टायर एकदम जाम होकर रुक जाएगा। ABS में नहीं रुकता है, टाइम लेता है। हाँ, ड्यूक के लिए इसलिए भी सही है। और गाइस, रोड बाइक क्या होता था और क्या हो गया है, और इसीलिए सही नहीं है क्योंकि गाइस इसमें टायर है दूसरे टाइप के थोड़े, जो कि हेल्पफुल इतने हैं नहीं ऑफ रोडिंग के लिए। एंड थ्रॉटल पे काफ़ी अच्छे से इस पर कंट्रोल रखना पड़ता है क्योंकि जैसे ही आप ओवर एक्सीलेटर थोड़ा सा दोगे वैसे ही पीछे फ्रिक्शन नहीं बनेगा, टायर एकदम घूम जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न है, इस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल गाइस रोड देखो, गाड़ी आने का तो मतलब नाम ही नहीं बनता, मतलब सोच भी नहीं सकते। और शायद भाई पता नहीं, मेरे को अच्छे से याद नहीं है कितने टाइम बाद हम आ रहे होने यहाँ से इस रोड से, आई डोंट नो, बट पूरा ही नक्शा बदल गया था। ओहो, अरे चल क्यों नहीं, ये शायद भाई हवा कम हो गई, पंचर ना हो गया होगा। यही तो रेडियल टायर की का नुकसान है, ये ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकते। ओ भाई साहब, अल्टीमेट गाइस, यहाँ पे भाई पहले स्कूल होता था ये पूरा स्कूल। और क्या हो गया, बारिश से भाई ये मिट्टी भी यहाँ तक कूदती थी और ये पूरा धस गया है भाई। अब एक बार और बारिश हुई तो सारा फिर से चल जाएगा। तो गाइस आज हमने करी अपने ड्यूक के साथ ऑफ रोडिंग, एंड मेरे को नहीं पता भाई बीच में हमारी ब्रेक फेल क्यों हुई पीछे वाली, एंड इस पर मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा आपको। तो ऐसी लग गया कुछ ड्यूक, तो इसकी जल्दी से मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन के ब्लॉग्स बनाएंगे काफ़ी सारे। तो फिलहाल मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी दिन बाद आई। तो अब मैं बताऊंगा नहीं कब आएगा नेक्स्ट व्लॉग, लेकिन आ जाएगा ज़रूर, तो हो सकता है जल्दी आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस रीच हो गया डाउन तुम्हारे भाई की शायद काफ़ी ज़्यादा। तो शेयर कर दो भाई ब्लॉग को। बाय बाय गाइस, टेक केयर।